नई दिल्ली में दो दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है। भारत मंडपम में संपन्न हुआ शिखर सम्मेलन दुनिया भर के सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों और नेताओं की भागीदारी का गवाह बना। शिखर सम्मेलन से इतर भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सादगी लोगों को भा गई। सोशल मीडिया पर लोग उनके सरल अंदाज की वाहवाही कर रहे हैं। पहले शिखर सम्मेलन से समय निकालकर पत्नी अक्षता संग अक्षरधाम मंदिर पहुंचना, फिर सम्मेलन के बीच बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से उनकी मुलाकात का नजारा। हसीना कुर्सी पर बैठी हैं और सुनक नंगे पैर घुटनों के बल उनसे बात कर रहे हैं। दिल्ली में शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के साथ भारत ने दुनिया को न सिर्फ अपनी मेहमान नवाजी दिखाई बल्कि चीन और पाकिस्तान को कूटनीतिक मात देकर एक तीर से कई निशाने भी साधे। शनिवार को शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक्स कॉरिडोर यानी कि IMEC का ऐलान हो गया। भारत की इस अभूतपूर्व सफलता पर चीन को मिर्ची भी लगी। ड्रैगन ने इस मामले में अमेरिका को खूब खरी खोटी भी सुनाई। इससे इतर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी सादगी से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। लोग सुनक की तारीफ करते नहीं थक रहे। रविवार को ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम मंदिर में पूजा की। G20 समिट के बीच समय निकालकर सुनक ने अक्षरधाम मंदिर में काफी वक्त बिताया। सुनक ने कहा कि वो हिंदू हैं और उन्हें इस बात का बहुत गर्व है। शिखर सम्मेलन के दौरान ऋषि सुनक की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। वो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना संग बातचीत कर रहे हैं। हसीना कुर्सी पर बैठी हैं और सुनक नंगे पैर घुटनों के बल उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।